equal ring di mana G. Oke, okay? A equal ring di mana G. आपने अपने घरों के पास बार चार सुन आ जाते होंगे, आपने देखा होगा सांप किसे है ना, सांप कैसे होता है। चलो हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। पार्ट नंबर चार, आम और सांप। सांप इस दुनिया का एक बहुत भयंकर और अनोखा जीव है। इसके भीतर ये डरावना और खमीज बहुत ज्यादा मरे हुए हैं। ये रेंगता है, उड़ता है और वृक्षों पर चढ़ता है। कुछ सांप है, मतलब मोस्टली जो कुछ सांप है वो रेंगते हैं, और कुछ सांप ऐसे भी हैं जो बहुत उड़ते भी हैं और वृक्षों पर चढ़ते हैं। सांप जल में भी तैर सकता है। सांप क्या जल में भी तैर सकता है। वे जमीन के अंदर बहुत लंबे समय तक रह सकता है। वे कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। कई सांप एक से ज्यादा मुंह वाले भी होते हैं। कुछ सांप ऐसे हैं मतलब जो बहुत लंबे तक जीवित रह सकते हैं, और कुछ सांप ऐसे हैं जिनके दो मुंह भी हैं। दो मुंह वाले सांप को दो मुंह ही कहते हैं। वे रेंगकर चलते हैं और वे रेंगकर चलते हैं। सांप की त्वचा बड़ी चिकनी साफ एवं चमकदार होती है। जो सांप की जो शरीर का है कान नहीं होते और ये देख भी नहीं सकते हैं, और इनके कान नहीं होते और ये जो इनकी जो देखने की शक्ति वो भी नहीं होती। ये अपने शरीर की मदद से ये आवाज को सुनते हैं और सावधान हो जाते हैं। जब सांप एक बंदर होता है या कुछ भी है वो उनके ध्वनि यानी जो आवाज आता है, अगर आप चलते हैं आपके फूस जाते हैं महसूस करेगा कि यहाँ कोई आ रहा है। इनकी आंखों पर पलके नहीं होती, इसलिए सोते समय भी इनकी आंखें खुली दिखाई देती है। जिस टाइम इनके जब सोते हैं तब भी इनकी आंखें खुली होती है क्योंकि इनके पलके नहीं होते। सामान्य सांप लगभग 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। सांप को जितनी फर्श पर चलने में कठिनाई होती है, जितनी फर्श जो आपके घर में अगर टाइल वगैरह लगी चिंगा तो उनमें चलने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए वो बाहर जो मिट्टी स्थान होते हैं जो जहाँ पर मिट्टी तो वो आराम से चल सकते हैं। ये अपने पेट की मदद से चलते हैं। ये अपने शिकार को निगल कर खाते हैं, यानी जो अपने शिकार पर यानी मोस्ट डायरेक्टली उसको बाइट नहीं करते, यानी उसको काट कर नहीं खाते, यानी उसको सीधा निकल जाते हैं। सांप चूहे चिड़िया मेंढक छिपकली तथा कीड़े मकोड़े बड़े शौक से खाते हैं। ओके, सांप क्या खाते हैं? चूहे होते हैं, चिड़िया हो गई, मेंढक हो गए, छिपकली हो गई, कीड़े मकोड़े। आपने खेत में देखा होगा कि जब आपकी फसल जब आपकी फसल खेतों में फसल होती है बाई चांस चूहे वगैरह, तो सांप कहते हैं फार्मर की यानी किसान के दोस्त होते हैं, वो चूहे वगैरह या फिर कीड़ों मकोड़ों को खाकर मतलब नष्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है हमारी जो फसल होती है वो खराब होने से बच जाती है। काले रंग सांप हमारे मित्र भी हैं। ये कीड़े मकोड़ों को खाकर वातावरण को साफ रखते हैं। ये वातावरण को भी साफ रखते हैं। हमारे फसल को भी खराब करते हैं ना, हमारे जो हमारे बेटा अपने कहते हैं किसान के दोस्त होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये क्या होता है जो हमारे क्रॉप सिस्टम होता है उनको भी अच्छे रखते हैं। काले रंग के सांप अधिकतर जहरीले होते हैं। कुछ सांप अपने फन बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। ये जो सांप होते हैं कुछ जहरीले होते हैं जैसे काले रंग के, और वो अपने फन बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। नाक भी ऐसे ही होता है, नाक भी ऐसे ही एक सांप है जो अपने फन को बहुत ऊंचा उठा लेता है, बहुत जहर होता है उसमें, जहरीला होता है। सबसे बड़ा सांप अजगर यानी एनाकोंडा होता है। जो बड़े बड़े जानवर वो सांप ही निगल सकता है। एनाकोंडा यानी अजगर बहुत ही
बहुत ही बड़ा होता है, और मतलब जैसे गाय या फिर इंसान तक को भी वो सांप निकल जाता है। सांप के शरीर पर सफेद सफेद जाली बनती रहती है, उसे केचली कहते हैं। सांप के शरीर पर केचली, केचली आपको पता ही होगा जो सांप के शरीर में बनता है। जब केचली पक कर मोटा हो जाता है तो वह सांप के शरीर से छूट जाती है, यानी कि केचली जो पक जाता है यानी मोटा हो जाता है केचली, तो क्या अपने आप ही शरीर से निकलना शुरू हो जाता है सांप के शरीर से। सांप की केचली दवाई बनाने के काम में आती है, यानी कि सांप की केचली दवाई बनाने के भी काम आती है। सांप केचली छोड़ने के बाद वह भी चमकीला और फुर्तीला हो जाता है। जब सांप की केचली छूट जाती है तो वो क्या करता है, पूरा स्ट्रांग हो जाती है, यानी उसके जो शरीर है वो चमकने लग जाता है, चमकीली हो जाती है और फुर्तीला, यानी फुल मतलब फुर्तीला क्या कहेंगे हम, पूरे रफ्तार से वो अब वो चल सकता है। सांप आदमी से डरता है, जब वह किसी के पैर के नीचे दब जाता है तो वह काट लेता है। सांप किससे डरता है, आदमी से डरता है। जब किसी के पैर के नीचे सांप आ जाता है, दब जाता है, तो क्या वो उसे काट लेता है, वो अपने बचाव के लिए। सांप अपना बिल कभी नहीं बनाता है, सांप अपना बिल यानी जो घर होता है जमीन में बिल वो कभी नहीं बनाता, मैं दूसरों के बिल पर कब्जा करके रहता है, यानी वो दूसरों के बिल, यानी जैसे चूहा हो गया या दूसरा जानवर हो गया जो बिल में रहता है, जैसे खरगोश, वो उनके बिल